सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी। बचकर रहना जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में। और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल, पहली जनवरी से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे। हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4000 रुपए क्विंटल होगा, जो चीनी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपए क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14000 रुपए क्विंटल होगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा। या तो ये कहो कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता था, आप पार्टी छोड़ के किसानी आंदोलन में शामिल हो जाओ, और नहीं होते तो आप गांव छोड़ के जाओ। या तो पार्टी छोड़ो या गांव छोड़ो, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, दोनों चीज नहीं चलने की। आप बनो गवर्नर सतपाल सिंह मलिक के जैसे बनो,